हाय गाइस, वेलकम बैक टू अधिरस फैमिली चैनल। बोलो मास्क काट की तो करी। मास्क नहीं निकालने का। मैं वेलकम बैक टू अधिरस फैमिली चैनल। तो आज हम जाने वाले चार मीनार। तो अभी तो गाइस हम लोग जा रहे हैं बाहर और चार मीनार को जा रहे हैं, तो वहाँ की शॉपिंग आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम जा रहे हैं, घर से निकले हैं और अभी हम यहाँ से कैब बुक करेंगे या ऑटो, जो भी मिल जाएगा। इधर आओ आदि। तो वो और हस्बैंड उधर वो गली से आ रहे हैं क्योंकि कुछ आयरन करवाने थे कपड़े, तो वो देने गए हैं। और ये मेरी ननद जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं किसी से, तो भी। और ये है तेजस और हम लोग जा रहे हैं। सो गाइज, वहाँ पे मैं आपको अच्छी अच्छी शॉप दिखाऊंगी। और इतनी धूप है। अभी कितने बजे? 12 बज रहे हैं और इतनी धूप है। इतने हम जो 9 बजे निकलने का सोचते पर उठे ही नहीं, क्या करें। सो अभी हम जाएंगे और हम आ गए अभी मेन स्टॉप पे। मेरे घर से 5 मिनट में स्टॉप आता है, मतलब ये आता है बस स्टॉप, तो वहाँ पे आए और ओला या जो भी ऑटो मिलेगा वो करेंगे। और यहाँ पे थक गए और मैंने लिया ये बैग, बिकॉज है ना वहाँ से जो भी सामान देंगे इसमें डाल सकते हैं। और देन अगर पानी बॉटल रही, कुछ चिप्स हो गए, तो मैंने इसमें ले लिए है आदि के लिए। सो चलिए मिलते हैं आपसे। मेरे पास शब्द नहीं है। कैसा लग रहा है इस धूप में जाना? बहुत गर्मी है गाइस, यहाँ उठना फिर जल्दी उठना। बहुत गर्मी है, इधर आओ मत, इधर से भाग जाओ, इधर जो भी है भाग जाओ इधर मत। गर्मी तो गाइस अभी सभी जगह है, तो क्या घर छोड़ देंगे क्या? तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, गर्मी तो सभी जगह है पर धूप ज़्यादा, क्योंकि घर में ही रहते हैं। तो जब आप कभी कभी बाहर निकलते हो तो आपको ज़्यादा लगती है, बट जो लोग बाहर काम करते हैं वो कैसा मैनेज करते होंगे। हमारे हस्बैंड लोगों को देख लो, ड्यूटी पे जाते हैं, ये कितना मैनेज। हमारे हस्बैंड, हम लोग क्या घर में ही रहते हैं। आपके हस्बैंड नहीं, हमारे तो है ना। सो जो भी धूप में काम करते हैं उनके लिए। सो चलिए मैं मास्क लगा देती हूँ। अभी आ गया एरिया, मैं आपको बह ये देखिए तो गाइज यहाँ पे आ गया मेन रोड, वहाँ से हम करेंगे ऑटो। आपको दिखाते हैं, धूप तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो ये एरिया किसी को मालूम हो तो बताना मुझे कमेंट में। ऐसे तो समझ में नहीं आता है, ऐसे तो आधी ऑटो आ रहा है। गए नहीं पर हम ऑटो से जाएंगे, अभी हस्बैंड आ जाए फिर करते हैं। हाँ, ओला में नहीं जाती क्योंकि मुझे राधी को अच्छा नहीं लगता ओला में, बहुत वोमिटिंग होती है, इसलिए ऑटो इज बेस्ट। तो ये गली में मेरा घर आता है, इस गली से सीधा गए थे। अरे यार हम यहाँ कहाँ खड़े, मुर्गियों को मार रहे उधर, इधर आओ। हाँ वही बोल रही, मुर्गियों को मार रहे, इधर आ जाओ। बेचारी चिल्ला रही है मुर्गियाँ। आई एम वेजिटेरियन गाइस, तो मैं ये सब देख नहीं पाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को ये बोल रही हूँ, जज कर रही हूँ खाते हैं वो। मेरे को बहुत है ना अलग ही लगता है, मैं ना किसी को, मैंने आज तक की एक चींटी तक मारी नहीं है, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी को दुख पहुँचाना, इसलिए। तो चलिए यहाँ पर खड़े होते। ये आदि देखो किधर बैठी है। आदि ये क्या है, इधर आओ, शॉप वाले गुस्सा करते, आदि तो थक गई है। सो गाइज यहाँ पे हम पहुँच गए हैं चार मीनार। और ये देखिए धूप और लोगों की भीड़ देखिए, तो ये है चार मीनार। पहले हम दो बार गए थे तो एंट्री नहीं थी ऊपर, अभी एंट्री हो गई है, तो लाइन इतनी थी, दो लाइन लगे थे टिकट के लिए। सो हमने तो देखने वाला था, तो ननद बोले यहीं से देख लेते हैं, ऊपर नहीं जाना, शॉपिंग ही उनको करना था। तो हमने देखे, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और बहुत अच्छा लग रहा था। भीड़ इतनी, ज़्यादातर लोग ना शॉपिंग करने ही आते हैं वहाँ पे। तो गाइज हम लोग आ गए और अब देखिए इतना भरा मार्केट है, पर धूप बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बहुत ऐसा हो रहा है, आदमी बहुत परेशान करे धूप की वजह से। और यहाँ पे लाइन लगी है यहाँ पे अंदर टिकट निकालने को। सो हम आए हैं अभी और वो लोग फ़ोटो निकाल रहे हैं तेजस, वो उधर, मैं आपको दिखाती हूँ, दिख रहा ना आपको कैब वाला, वो फोटोज निकाल रहे हैं। कितनी फ़ोटो काटना रहा इसकी काय मैं थी। सो गाइज हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये बहुत अच्छी शॉपिंग होती है यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ अब हम जो भी शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ पे वॉच है।
सो गाइज यहाँ पे स्टार्ट होती है शॉपिंग और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखिए ये लोग ना ऐसा घूमते रहते हैं, शॉप भी है और बेचते रहते हैं, आओ ले लो बोल के। तो बहुत ही ये था, सो मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ पे देखो ये पिलोज़ कितने सॉफ्ट है। तो ये शायद आई थिंक 100 रुपीज़ के थे, मैंने पूछा नहीं उनको पर मैंने शूट किया था। और यहाँ पे मोबाइल कवर लेना था मेरे फ़ोन का, मुझे मिल भी गया था, हम चारों को ही लेना था। तो ये 150 में कोई भी मोबाइल कवर लो, लेना था मेरा मिल गया, पर ये वाला ब्राउन कलर का पर मैंने नहीं लिया, बिकॉज़ है ना हम चारों को ही लेना था। तो फिर वो बोले आगे की शॉप पे लेंगे और फिर भूल गए, तो नहीं लिया मोबाइल कवर। और ये है बैंगल्स की शॉप और बैंगल्स एक से बढ़कर एक मिल जाएंगे आपको, सब 100 रुपीज़ में है, ये सारे के सारे 100 रुपीज़, 200 या 250 तक। तो आप ज़रूर लेना। और मैंने क्या क्या लिया मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सो ये था। उसके बाद यहाँ पे चप्पल जो 150-200 तक आपको मिल जाती है नॉर्मल यूज के लिए और अच्छे वाले भी। फिर यहाँ पे हमने गॉगल्स देखे, तो आदि को और तेजस को लेना था, तो मैंने हमने क्या क्या लिया मैं आगे दिखाऊंगी, आप देखिए। सो ये 100 रुपीज़ में कोई भी एक आप ले सकते हो सनग्लासेस। सो आप ज़रूर बहुत कम प्राइस में मिल जाता है यहाँ पे। सो आदि ये रेड वाला ही मंग रहा, आदि को है ना रेड कलर ही सब पसंद है, उसने पहन के देखा नहीं पसंद आया, फिर उसने दूसरा ही की लिया पर वो रेड कलर का ही लिया। सो गाइस ये देखो इन्होंने गॉगल लिया, आदि ने भी गॉगल लिया, आदि को देखो। तो आदि ने मंकी को भी लिया है, तो गाइस आदि ने मंकी लिया है, मंकी वो उठा के लिए, आदि को हम उठा के ले रहे हैं। इतनी धूप है, कुछ शॉपिंग हुई है, मैंने तो कुछ नहीं लिया, आदि ने, तेजस ने और बाकी सबका हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए सनफ्लावर बहुत अच्छी थी, ये पे है ना डेकोरेशन का सामान बहुत अच्छा मिलता है कम प्राइस में। तो मुझे है ना मेरे बैकग्राउंड के लिए लेना था अब, पर मैंने लिया नहीं बिकॉज हमको और कहीं घूमने जाना था, तो हस्बैंड बोले अपन तो कभी भी आ सकते हैं, सो बाद में ले लेना, तो मैंने लिया नहीं। और यहाँ पे फिर ये शॉप पे आई और बैंगल्स देख रहे थे, तो बैंगल्स ही ज़्यादा हम देख रहे थे। और ये वाले मुझे बहुत पसंद आए पर मेरी साइज़ से बहुत बड़े थे और मैं तो बैंगल्स पहनती नहीं हूँ, मुझे ना ज़्यादा बैंगल्स खरीदने का शौक़ नहीं, किसी को शौक़ होता है बैंगल्स खरीदेंगे, मुझे नहीं है क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ उतना, अभी तो भी वीडियोस के लिए पहनती हूँ या साड़ी कभी पहनती हूँ तो भी पहनती हूँ, इसलिए मैं मुझे लगता है चुप पैसे वेस्ट क्यों करना, तो मैं लेती ही नहीं हूँ सच गाइज। तो यहाँ पे देखिए सी 100-200 के थे सारे। सो देखिए बहुत अच्छे मिल जाते, बैंगल्स के लिए ही चार मीनार जाना जाता। और ये 100 रुपीज़ 150 के मांग टिका और ईयरिंग्स थे, तो ये थे। और उसके बाद हमने जूस पिया। और ये है ना यहाँ पे मैम बहुत भीड़ थी, तो मैं सोचा इतने भीड़ क्यों है, चलो देखने जाते हैं, और मैं घुस गई भीड़ के अंदर भाई। तो देखा तो ये पायल थे, तो हमको तो पायल चाहिए नहीं थे, यहाँ पे मेरे हैदराबाद में तो ब्लैक पड़ जाती है, सो चांदी की तो हो नकली तो क्या रहने वाली है। तो हम आए ट्रेंड्स में अभी और हमने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि आज तेजस को नहीं पसंद आ रहा है ना तेजस। हाँ। ये दोनों को भूतों को देखो गॉगल और लड़का। और उसके बाद हम चार मीनार से निकल गए थे, तो आगे दिखाती हूँ हमने क्या शॉपिंग की। हम गए थे चार मीनार और हमने आपको दिखाया था क्या 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 वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं आप, तो हमने क्या क्या लाया हम आपको दिखाती हूँ। सो हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं पर लाए बहुत सारा सामान, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप यहाँ पे हैदराबाद में रहते हो तो ज़रूर चार मीनार जाना, और अगर आप नहीं आप हैदराबाद कभी भी आते हो तो ज़रूर चार मीनार में जाना, बहुत ही अच्छी शॉपिंग होती है वहाँ पे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सारा इतना सारा है मैं दिखाती हूँ आपको। हमने पहले पर्स बाई किए हैं, तो हमने 3 पर्स लिए हैं। तो ये देखिए एक ये ब्लैक कलर की है जो देखिए, और यहाँ पे इसको पकड़ने को यहाँ पे हैंडल दिए गए हैं देखिए, और इसकी लेंथ ऐसे है, ये 1 साइड पर्स है देखिए, और इसको 2 पॉकेट्स मतलब 2 कम ये है चेन दी गई है, तो इसमें अभी तो ये है, तो बहुत ही अच्छी है ये, आप डेली यूज कर डेली के लिए यूज कर सकते हो इसको, इसमें मोबाइल आपके पैसे पॉकेट सब कुछ रख सकते हो। सो आप अगर और इसकी प्राइस की बात करें तो ये 150 रुपीज़ की, ओनली 150 रुपीज़, तो 80 रुपीज़ की है। सो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है ये देखिए, वो बहुत ही अच्छा है, और इसमें बहुत सारे कलर्स थे, तो ये हमने एक ली है। और इसके बाद हमने लिए 2 हैंड पर्स देखिए, इस टाइप के हैं देखिए बहुत अच्छे, ये 200 की है एक, तो या इसको भी 2 ये है, तो ये देखिए इसमें
जगह भी बहुत है इसमें, आप इसमें ना आप जगह भी बहुत दी गई है जिसमें आप अपने आधार कार्ड या जो भी पैन कार्ड एटीएम कार्ड रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी एक जिप दी गई है जिसमें आप अपना मोबाइल, और मोबाइल बहुत अच्छे से इसमें बैठ जाएगा इसीलिए हमने ये दिया है। तो ये है, और ये 200 रुपीज़ की है, और इसका कलर भी अच्छा है देखिए, और इसमें एक ये दिया गया है। सो ये वाली है, एक थर्ड है, ये वाले सेम है सिर्फ कलर चेंज है, ये पीच पिंक कलर है, तो सेम इसमें भी सेम दिया गया है। तो ये 200 की है, तो ये तीनों पर्स हमको 550 रुपीज़ में गिर गए थे। सो कोई बार्गेनिंग तो नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ पे पहले से प्राइस बहुत कम रहती है, तो पैसे कम नहीं करते, कोई कोई करता है कोई नहीं करते, तो 1 रुपये भी नहीं कम किया। तो ये वाले थे 200 200। उसके बाद हमने लिए कुछ बैंगल्स, हाँ दिखाती हूँ। अब बैंगल्स के लिए तो चार मीनार बेगम बाजार बहुत ही फेमस जगह है, ब्राइडल के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे बैंगल्स शॉप है बड़े बड़े, तो हमको तो नॉर्मल वाले चाहिए थे। तो एक बार एक ये लिया है हमने जो कि वाइट कलर के मोती में दिया गया है, देखिए कितने अच्छे दिख रहे थे पहनने के बाद। ऐसे बैंगल्स हर जगह नहीं मिलते, बाकी तो स्टोन वाले तो कहीं पर भी मिल जाते पर ऐसे भी नहीं मिलते हैं। इसमें वाइट कलर के मोतियों के भी थे, सो हमको ये वाले अच्छे लगे। सो ये देखिए ये, और ये सिर्फ 100 रुपीज़ के हैं 4। तो ये एक है ये वाले, ये भी ओनली 100 रुपीज़ के है, और आप देख सकते हैं फोकस हो रहा कि नहीं, देखिए पहनने के बाद बहुत अच्छे लग रही है। यहाँ पे देखिए जो गोल्डन कलर के स्टोन दिए गए हैं, तो मैं अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये एक लिया है हमने, ये भी 100 रुपीज़ के थे, और इसकी एक बहुत ही अच्छी बात है कि वहाँ पे ना बैंगल्स है ना इसे डब्बे में आते हैं, तो आप ना अपने बैंगल्स को इसे रख सकते हैं तो ख़राब भी नहीं होते। उसके बाद हमने ये वाले लिए, और ये तो मुझे इतने पसंद आए, ये भी 100 रुपीज़ के 2 पेयर फोकस, ये है 100 रुपीज़। और इसमें मुझे है ना सिल्वर कलर के बहुत पसंद थे, पर हस्बैंड को नहीं पसंद आए तो मैंने नहीं लिए। तो ये एक है, और ये बहुत बहुत फेमस है, ये एक ही पीस बचा था, इसमें अलग अलग डिज़ाइन थे पर ये एक ही था, तो हमने कैसे तो भी ले लिया, थोड़ा छोटा हो रहा फिर भी ले लिया। तो ये बहुत पसंद आया, चूड़ा से चूड़ा बोल सकते हैं जो कि बहुत ही है। अब इसकी प्राइस आप बताओ कितनी हो सकती है, आपके यहाँ कितने में मिलता है? ये भी ओनली 100 रुपीज़ के, कौन बोल सकता है ये 100 रुपीज़ के। इसके अंदर आप यहाँ पे अपना साड़ी के मैचिंग बैंगल्स डाल के भी पहन सकते हो, या फिर ऐसे भी पहन सकते हो, आप अपनी मर्जी के हिसाब से पहन सकते हो। तो आप ज़रूर एक बार चार महीना। तो आदि ने और हमारे साथ तेजस था, तो उन्होंने गॉगल्स लिए, मुझे भी लेना था पर मुझे नहीं पसंद आ रहा था, मैंने नहीं लिया। तो ये गॉगल लिया उसने ब्लैक कलर का, ओनली 100 रुपीज़। थैंक यू, लग रहा है। और अभी तो धूप ज़्यादा पड़ गई तो सन ग्लासेस को होना ही चाहिए, पर 100 रुपीज़ में और क्या लोगे भाई, कितना अच्छा लग रहा है। सो उसके पास ऐसा था तो वो टूट गया, तो सेम उसको यही लेना था, तो उसने ये लिया है। उसके बाद उसने ये वाला लिया, इसमें मुझे पिंक या येलो टाइप लेना था पर नहीं मिला, तो ये एक है उसने ये लिया है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो ये भी 100 रुपीज़ में लिया है। और उसके बाद आदि ने लिया है, आदि ने तो पूरा जब लिया तब से पहनी थी, तो घर आने तक पहने वाली थी, ये आदि ने लिया है। तो ये आदि का ओनली 50 रुपीज़ और बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये लिया है आदि ने। उसके बाद ये आदि ने एक मंकी लिया, उसका एक सेम मंकी था जो उसको किसी ने गिफ्ट किया था, जो वो टूट गया था तो वो बहुत रो रही थी, घर से ही बोल दिया था उसने कि मंकी लेना है, तो फिर उसको मंकी और सेम कलर लाया है। सो ये एक मंकी लिया, ये भी 100 रुपीज़ ओनली 100 रुपये में, तो ये मंकी लिया। उसके बाद हम वहाँ पे चार मीनार में शॉपिंग किए, बहुत थक गए थे गाइस। उसके बाद हम वहाँ पे ट्रेंड्स था, तो ट्रेंड्स में गए, वहाँ पे कुछ नहीं मिला, फिर आते आते हम लोग मॉल में गए थे, तो वहाँ से हमने क्या क्या लाए। तो कपड़ों की शॉपिंग हमने चार मीनार से नहीं की क्योंकि पसंद ही नहीं आ रहे थे, और अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते उतने भी, पर हाँ रेगुलर यूज पहन सकते, शॉप भी है, पर हमको उस टाइप के ब्राइडल वाले कपड़े नहीं चाहिए, वहाँ पे ना शादियों के लिए कपड़े अच्छे मिल जाते हैं, सो आप डेफिनेटली वहाँ पे जाना। सो हमने तो मॉल से लिए हैं, तो तेजस में लिए हैं, तो तेजस में एक ये शर्ट लिया है वाइट कलर का,
ये हमने अनलिमिटेड से लिए थे। तो ये एक शर्ट लिया है और इसकी प्राइस है 1000 रुपीज़ ट्रिपल नाइन। तो ये 999 का है। इसके बाद उसने एक ये वाइट कलर की टी शर्ट ली है जो ये भी अनलिमिटेड से लिए चार मीनार से, नहीं फिर भी हमने क्या शॉपिंग की इसलिए दिखा रही है। और ये 300 की है। उसके बाद उसने ये वाला शर्ट लिया, ये बहुत अच्छा शर्ट है, ये जीन्स के जैसा है और इसका कलर भी बहुत अच्छा। तो ये टी शर्ट इसके अंदर पहनने को उसने ली। तो इसकी प्राइस, क्वालिटी भी बहुत सॉफ्ट है, कलर नहीं चलने वाला। तो साइज है इसमें M और इसकी भी प्राइस है 999 शायद। मैं देख के बताती हूँ, मैंने इसका टैग निकाल दिया उसमें पहन के। सो इसकी भी 1000 रुपीज़ प्राइज है। उसके बाद उसने लिया है ये शूज। तो ये भी ये शूज बहुत ही सॉफ्ट है, उसको ऐसे ही शूज चाहिए थे। सो ये भी अनलिमिटेड से लिए। तो इसकी प्राइस कितनी है, इसकी प्राइस भी 999 है, नहीं 899, मतलब 900 के ये शूज है। सो ये उसने शूज लिए थे। तो गाइस कल हम यहाँ पे गए थे चार मीनार और बहुत सारे मॉल में घूमे, यहाँ वहाँ गए। तो हमारी यही शॉपिंग थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम कहाँ जाने वाले, क्या खरीदी करने वाले, वो भी आपको मैं साथ शेयर करूँगी। सो मैंने ना कोई वीडियो नहीं बनाया था उसके आगे, और कल मैं दिखा नहीं पाई तो अभी सोचा मैं दिखा देती हूँ। तो मैं ऐसे ही आगे मतलब वीडियोज़ में अपने घर की मतलब नॉर्मल कपड़ों में। सो गाइस यही था। और अगर आप कहीं पे भी कभी भी कहीं पे भी रहते हो, आप कभी भी हैदराबाद घूमने आते हो, तो डेफिनेटली चार मीनार जाइए। बहुत ही फेमस जगह, जैसे कि दिल्ली की सरोजनी नगर है वैसे यहाँ का चार मीनार बेगम बाजार बहुत ही फेमस जगह है। बहुत भीड़ रहती है वहाँ पे, आप ओला बुक कर सकते हैं, ऑटो से जा सकते हैं, सिटी बस जाती है उससे जा सकते हैं, आप जिस तरह फिर पर आप अपना टाइम निकाल के आइए चार मीनार। बिकॉज वहाँ पर ना देखने के इतनी चीज़ें हैं कि आपको पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, पर चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। सो टाइम निकाल के आइए और डेफिनेटली यहाँ पे आके आप विजिट करिए। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।